अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल की ख़रीदो फ़रोख्त समझाऊंगा कि अगर आप किसी से यूट्यूब चैनल ख़रीदना चाहते हो तो आपको कौन सी बुनियादी सेटिंग दिमाग में रखनी चाहिए और वो अपने चैनल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि दो या तीन या चार दिन के बाद वही चैनल आपसे कोई रिकवर ना कर पाए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी को चैनल सेल आउट कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो फुल वॉच करनी चाहिए। इससे आपको ये बेनिफिट्स होगा कि अगर आप स्कैमर नहीं हो, आप एक सच्चा डीलर हो, ठीक है, आप अच्छे तरीके से यूट्यूब चैनल सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको बायर पे ट्रस्ट नहीं है, आपको जो ख़रीदने वाला है उस पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप इस वीडियो को वॉच करो। इंशाल्लाह आप हमेशा के लिए ये टिप्स अप्लाई करो और आपकी जो डील्स होगी इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल होगी, आप को कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करना है, अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो व्यूअर्स, अगर आप किसी से एक चैनल बाय करना चाहते हो, आपको एक चैनल पसंद आया है और आपको, या फेसबुक में बहुत ज़्यादा लोग मैं देख रहा हूँ, ठीक है, पोस्ट कर लेते हैं चैनल फॉर सेल, ठीक है, तो इस तरीके से लोग वहाँ पे आ जाते हैं, उनको चैनल पसंद होता है तो फिर वो उनसे डील कर लेते, ठीक है। तो अगर आप ख़रीदने के लिए रेडी हो, आपको चैनल पसंद आया है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जो सेलर होगा वो आपसे पहले पेमेंट मांगेगा, ठीक है, ऑफ़ कोर्स उसका चैनल है, ठीक है, वो आपको ऐसे चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको पासवर्ड और ईमेल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक आप उसको पेमेंट नहीं करोगे। तो आपने पेमेंट तो कर दी, ठीक है, आपने पेमेंट भी कर दी, अब पेमेंट के बाद आपने उससे ईमेल और पासवर्ड लेना है, ठीक है, पासवर्ड लेने के बाद, लेकिन उनसे पहले पूछना है, ईमेल और पासवर्ड से पहले उनसे, यानी सेलर से आपने पहले पूछना है कि भाई आपने इस चैनल पर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की है या नहीं। इसके बाद आपने ये भी कहना है कि आपने रिकवरी ईमेल लगाया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें, अगर उसने टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है लगाया होगा, ठीक है, तो आपने उनसे के बाद आपने बोले कि आप मुझे ईमेल दे दो और पासवर्ड दे दो। वही ईमेल और पासवर्ड आप लगाएंगे यूट्यूब चैनल को लॉगिन करने के लिए। जिस ही आप लॉगिन करोगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन चला जाएगा अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा, ठीक है, हो मतलब अच्छा यही है कि वो सेलर जो है पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ कर दे, ठीक है। अगर ऑफ नहीं किया तो ऑफ करने से पहले उसके पास पहले नोटिफिकेशन आएगा, जब आप उसको लॉगिन करोगे तो वो वहाँ से अलाउ करेगा, ठीक है। अलाउ करने के बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले रिकवरी ईमेल पे जाना है, रिकवरी ईमेल आपने लगाना है। रिकवरी ईमेल इस चीज़ को कहते हैं कि कल को अगर आपसे कोई ये YouTube चैनल हैक कर लेता है तो आपका जो ईमेल होगा रिकवरी ईमेल, यानी एक्स्ट्रा एक ईमेल लगता है, आपने उसके जरिए से उनको रिकवर कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला ज़रूरी काम, ठीक है। जो रिकवरी ईमेल होता है वो आपने सेट करना है, और जब सेट करोगे तो पहले उनके पास सेलर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपने उसको बोलना है कि अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ये हो गया दूसरा काम। उसके बाद आप लोगों ने टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने नंबर पर ऑन करना है, यानी टू स्टेप वेरिफिकेशन सिक्योरिटी वहाँ पे जाके जहाँ पे लगता है, ठीक है, वहाँ पे आपने जाना है, आपने वहाँ पे अपना नंबर डालना है, अपने नंबर पर वो आपसे पासवर्ड पहले मांगेगा, पासवर्ड यानी नोटिफिकेशन मांगेगा, नोटिफिकेशन वहाँ पे जाएगा सेलर के पास, वो अलाउ करेगा, उसके बाद अपना नंबर मतलब वो कर लोगे, उसके बाद रिकवरी ईमेल हो जाएगा, वो भी हो गया, ठीक है, आपको मैंने वो भी बता दिया। तो ये तीन स्टेप अगर आपने कर दी, उसके बाद आपने करना है उसे कहना है कि अभी आप रिमूव करो। अगर वो चैनल रिमूव नहीं करता मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, आपसे उन्होंने बोला झूठ में कि मैंने कर दिया और उन्होंने नहीं किया होता, तो वो भी आपके पास
अथॉरिटी है, यानी मतलब कि ऑप्शन आते हैं, आपने सिंपल डिवाइसेस में जाना है, ईमेल की सिक्योरिटी वहाँ पे डिवाइसेस में जाना है, वहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि वहाँ से जो भी जिस भी डिवाइस से ये लॉगिन होगा ये चैनल, आपने सिर्फ वहाँ से डोंट अथोराइज्ड या डोंट रिकॉग्नाइज्ड दिस डिवाइस ये करना है, उसके बाद वो रिमूव हो जाएगा, या अगर रिमूव नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ शो होगा कि साइन आउट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने डील करनी है, तो इंशाल्लाह कोई भी आपका चैनल जो है रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर रिकवर कर भी पाए फिर भी आप जो है मतलब कि अपने जो रिकवरी ईमेल आपने लगाया होगा उससे आप जो है उनको रिकवर कर पाएंगे। पहले तो वो रिकवर कर ही नहीं सकता क्योंकि उनका रिकवरी ईमेल आपने हटाया होगा, अपने अपना लगाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बेस्ट लगी होगी, इसलिए इसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपको इसके मुतालिक एक और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपने राय का इजहार करना।